अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 4 में से 4B का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसमें हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, व्हाट शुड बी एडेड टू 4/15 टू मेक इट इक्वल टू 3/5। ये कह रहे हैं कि हमें क्या नंबर इस नंबर में ऐड करें तो हमारे पास 3/5 आ जाए, इसकी इक्वल आए 3/5 की। इसमें हम कौन से नंबर ऐड करें तो हमारे पास 3/5 आ जाए। तो करते हैं अब इसको सॉल्व। 4/15 में हमने ऐसा नंबर ऐड करना है कि जिसको ऐड करने से हमारे पास 3/5 आ जाए। तो करते हैं, इसमें 4 वैल्यू है हमारे पास 4/15। इसमें हम अब ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो इक्वल टू 3/5 आए, ठीक है, इक्वल टू 3/5। तो इसमें हम जो नंबर ऐड करेंगे वो है 5/15। अब इसको सोल्व करके चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई ये चीज़ आती है कि नहीं। तो अब हमने 4/15 प्लस 5/15 का एलसीएम लेना है। तो नीचे दोनों 15s हैं तो इनका एलसीएम 15 ही आएगा। 15 के टेबल ने 1 ज़र काटा 15 को, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस देन दिस 15, इसने भी 1 टाइम काटा है 15 को, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। देन इक्वल टू 5 प्लस 4 इक्वल टू 9/15। अब मज़ीद अगर आप देखें तो 9/15 की कटिंग हो रही है, 3 3s are 9, 3 5s are 15, दैट इज़ इक्वल टू 3/5। ये हमारा आंसर है। इट्स मीन कि हम इस वैल्यू में 5/15 प्लस करेंगे तो हमारे पास 3/5 आ जाएगा। तो ये आंसर है एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 3 का। थैंक यू सो मच।